अभी गाजर इसके अंदर डाल दिए सोनिया, ताकि वो जो पानी इसमें होगा वो झड़ जाएगा। अच्छा पानी भी रहता है क्या इसमें? नहीं नहीं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए ना। तो मतलब जो रह जाएगा ना वो, बल्कि घी के अंदर डालूंगी, घी डालूंगी कढ़ाई में पहले। अब काफी प्यारा हो जाएगा, हिलाना पूरा हिलाना, एक बार ऊपर नीचे करना इसको इसको। अरे ये हो जाएगा गर्म करके, इसको छोड़ ऐसे मत कर, बल्कि मावे को करना पड़ेगा ना। अच्छा तभी तो फूटेगा। सो गाइस यार काफी प्यारा बनने वाला अपना गाजर का हलवा, मैंने भी हिला। इतना प्यारा स्वाद है ना, हलवाई की गली फैल है इसके सामने, मेरे सामने। है ना, मतलब काफी प्यारा बना, मतलब बहुत प्यारा, मजा आ गया। उम्मीद करो कि मेरी शादी के अंदर आप लोगों को हलवा मेरे हाथ का ही मिले खाने का। अच्छा As you fade away, yeah. Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ स्पेशल मेहमान है आपकी सोनिया रानी, मतलब मेरी राजकुमारी, और मैं राजा, और ये मेरी दूसरी वाली एक और डुक वाली घोड़ी। सो अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट में, और लोकेशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा लेट भी हो गया आज। सो आज गाजर का हलवा बनाना है। सो गाइस संडे स्पेशल वीडियो है, तो आज गाजर का हलवा बनाएंगे सोनिया और हम दोनों, मेहनत करेंगे। आई थिंक इसको ज्यादा अच्छा बनाना, इतनी मेहनत कर रहे हो और आप लोगों में सपोर्ट नहीं कर रहा। हां यार वीडियो को देख रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो व्लॉग को, फिर मैं व्लॉग डालना बंद कर दूंगा। बिल्कुल भी सही बता रहा हूं मैं, बोलोगे कि व्लॉग नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, मैं प्रैंक डालूंगा, फिर प्रैंक डालना स्टार्ट कर दूंगा वापस। क्या लोगों को वैसे प्रैंक ज्यादा पसंद है, फिर मैं व्लॉग नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूं कि हमेशा आप लोगों के लिए व्लॉग डालूं क्या, बट मुझे व्लॉग पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं प्रैंक डालना स्टार्ट कर दूंगा फिर दिमाग खराब हो गया तो। सो फिलहाल यहां से निकलते हैं और जल्दी से गाजर हलवा बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लेकर आए गाजर के हलवे के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें लेकर आए हम लोग। सो यहाँ सोनिया को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे हमको है ना कुछ लकड़ियाँ दिख गई यहीं पे, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लकड़ी है तो ये काम में आ जाएगी हलवा बनने में। अभी हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको पता ही है। और बाबू घी घी हाँ घी तो लाइना, घी डालना जरूरी है हलवे में, वैसे नहीं भी डालो तो चलता है, घी के बिना तो वो बनता ही नहीं है। मारो घी को डब्बू खत्म कर दे, ये वीडियो में इतना तो भी सपोर्ट ही नहीं करे गाइस। दोनों पहुंच गए यहाँ पे, और मतलब यार बहुत मुश्किल होता है यार गाड़ी निकालना, मतलब वही ये प्रॉब्लम होती है। अब थोड़े दिन तक क्या ना, मतलब कोई दूसरी लोकेशन चूज़ करेंगे, वहाँ करेंगे जो भी करना है। बाकी अभी पहुँच तो गए, बाकी गाजर का हलवा बनाते हैं जल्दी से और आप लोगों को बताएंगे। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को, कंटिन्यू देखते रहो, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और वीडियो को शेयर करना दबा के, इंस्टाग्राम पे दोनों को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। बाकी काम स्टार्ट, हम पहुँच गए और आज ये लेकर आए हम कढ़ाई हमारी, जिसमें खाना बनाते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा इसी में बनेगा। और चूल्हे को बाबू पानी वेस्ट मत, देख पानी बताऊँ कटे वेस्ट करना है, सुने वो पानी ना अट डोल देते रहना, ताकि वो चूल्हे का आड़ पड़ा पर लगा सका, मिट्टी तक कड़े काली नहीं हुए, वो तो थोड़ी थोड़ी सी काली हुई, ठीक है ना। तो गाइस ना मतलब वो ये मैं नहीं चाहता कि ये भी काली हो जाए, हमारे सारे बर्तन काले हो जाए, तो उसके लिए मिट्टी तो बर्तन काले भी होंगे तो उनको धोने तो मुझे ही है, आपको तो ना धोने हैं। तो क्या हुआ हम काले हैं, तो क्या हुआ हम दिल वाले। रानी बर्तन धो रही है और देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, इसके बाल देखो कितने प्यारे हैं, बाल धोले धोले लेना बाबू, वरना आज मैं चैन से बैठ के गाजर नहीं छील पाती। अरे यार सही है, मेरे को लग रहा था बस वही है कि यार वो हवा चल रही थी, कल ठंड भी लग रही थी, मिट्टी वगैरह भी आ रही थी, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। बाकी कल हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक लड़का और एक लड़की हमारे पास आए, तो बहुत दूर से हमें देख के आए थे, तो उन्होंने सोचा दोस्ती कर लेंगे तो हम भी हाथ तपेंगे वहाँ पे, तो वो आया गिरने का कहीं चूल्हा में घुसी की, तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो देख रहा था आप क्या कर रहे हो, मुझे देख लिया तो जाओ, मैं भी तप लू क्या, मैंने कहा हाँ तप लो अपना चूल्हा बना के आराम से तपो, कौन मना कर रहा है। सो गाइस मतलब वो बेइज्जती कराने आए थे, बेइज्जती करवाना आया था। बाकी गाइस ना अभी मैं जाता हूँ, मतलब थोड़ी लकड़ी वगैरह ढूंढने और छाने वगैरह ढूंढने, ताकि जल्दी से फ्री होके यहाँ से चले जाएंगे, है ना। और बाकी बहुत लेट आए, बाकी ये बताइए कि आज गाजर का हलवा कैसे बनाएगी, बाकी बहुत सारी चीजें लेकर आए ना। ये देखो ये इसके अंदर है मावा, फीका मावा, इसके अंदर एक किलो दूध है, एक किलो ये है, और शक्कर है, घी, बल्कि ये पानी में नहीं उबलेगा, बल्कि ये प्योर दूध में उबलेगा, तब जाके इसमें ना बहुत प्यारा स्वाद आता है। अच्छा जी, मेरी मम्मी बना देती है इसलिए। चलो ठीक है आज बनाओ तुम, आज मैं भी खाऊंगा सोनिया के हाथ का गाजर का हलवा, और आप लोगों को बताएंगे कि सोनिया कैसे गाजर का हलवा बनाएगी। बाकी बहुत ही मजा आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, और बहुत सारे लोगों को नहीं आता तो सीख जाना गाजर का हलवा बनाना, काम में आएगा भाई लोगों, ठीक है ना। आज तो तुम्हारा टर्न था बनाने का, बट मेरा नहीं है, ठीक है ना। और गाइस है ना ये लास्ट व्लॉग है, इसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे, बाकी आप लोग डिमांड करोगे तभी लेके आएंगे, और क्या बनाएंगे वो आप लोग खुद बताओगे कमेंट करके, वरना व्लॉग लेके नहीं आऊँगा, ठीक है ना मैं। सो अभी निकलता हूँ यहाँ से मैं,
और बाबू मिल जाओ जल जाऊँ, है ना? ठीक है, लकड़ी ले आऊँ और कल छाना, है ना? छाने हो लकड़ी। ठीक है सोनिया। गैस देखिए आपको छीलती हो। सो गैस यार अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, ये पूरा थैला भर के ले जाना है मुझे ताकि वापस नहीं आना पड़ेगा, बट ढूंढ रहा हूँ मिल जाए बहुत सारे जल्दी से। अर्ली मैं आ गया लेके और सोनिया आवाज़ दे रही है, आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, इसको भरा मैंने, उसके पास चलते हैं। वो डर गई होगी, अकेली है, प्यास भी लग रही है मुझे। कहे चिल्ला क्यों रही थी, चिल्ला क्यों रही थी? अच्छा मैं उधर से घूम के इधर आ गया था। अच्छा भाई मेहनत करके लाया हूँ। हाँ यार तो थक गया मैं बहुत ज़्यादा भयंकर। सुबह सोनिया आ रही, मैंने गाजर घिसली। घिसली गाजर? नहीं यार। तो नाइस गाजर घिस दी, देख सकते हो। नहीं मुझे ऐसा क्यों बोला कि खा गई? खा गई होगी गाय, बताओ दिख नहीं। कितना इतनी गाजर वेस्ट कर दी तूने, शर्म नहीं तेरी? मैंने तो आदी है ना, कुछ कुछ ऐसे अजीब सी थी तो मैंने काटी है। अच्छा चल कोई ना, घिस है ना। हाल अभी गाजर इसके अंदर डाल रही है सोनिया ताकि वो जो पानी इसमें होगा वो झड़ जाएगा। अच्छा पानी भी रहता है क्या इसमें? नहीं नहीं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए ना। तो मतलब जो रह जाएगा ना वो, बल्कि घी के अंदर डालूंगी, घी डालूंगी कढ़ाई में पहले। हाँ। फिर उसके बाद में इसको उसी में पकाऊंगी। छीज जाएगा ये तैयार होगा क्या? अंदर ही हो जाएगा वो तो सब। मतलब अभी इसके अंदर माएगा ही नहीं ये पूरा? क्या मतलब गाजर को वो ज्यादा वे नहीं आ जाना, पेट भर के खाऊंगा मैं तो ना। मैं भी पेट भर के खाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मेरे हाथ से। अच्छा हाँ, बल्कि आज मतलब मुझे कम से कम 4-5 साल हो गए मैंने नहीं खाया। सही बात है। तो भाई गाइस गाजर का हलवा बन रहा है अपना और काफ़ी प्यारा बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा क्योंकि 1 किलो गाजर लेकर आया, 1 किलो दूध लेकर आया, 50 का मावा लेकर आया, मतलब तो काफ़ी प्यारा बनेगा ना बाबू, है ना? सब कुछ लाया है एक मिनट में। तो क्या सोनिया ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है देख सकते हो, और यहाँ पे बैठी है, ओए घी डाल रही है इसमें। सो गाइस घी डाल रही है, ओ मंगल स्वाहा, इसमें घी डालो माता राम, घी डालिए माता राम। हाँ डाल रही हूँ। गाजर का हलवा बनने जा रहा है हमारा। सो गाइस गाजर का वाला हलवा ना काफ़ी प्यारा बनेगा और बहुत भूख लग रही है, पूरा खा जाऊँगा मैं तो इसको। घी डाल रही है, बाकी देख सकते हो मैडम घी डाल रही है, घी बाबू पूरे डालिए। अबे बहुत पतकर वरकर बस कर, पगली क्या कर रही है, पूरा डालिए। हैं अबे पागल, उसने कटोरी डाला था घी बहुत है, इतना सा बनाया था। हाँ, इतना। शाम के साथ जब तक मैं चपोड़ घी की रोटी हूँ, घी खत्म कर दी तो चपोड़ लेना। गैस घी खत्म कर दिया इसने मेरा, अभी कल परसों तो लाया था ये डब्बा। हाँ यार भी मेरा घी, अरे बाप ने रो 3 बार। वाह डालना होगी गाजर, अब हलाए क्या नहीं पकड़ो पेड़ी तेना। हाँ बाबू का हाथ नहीं जाता था, ध्यान रखिए कम तो नहीं पड़ जाना। कितनी मिनट के लिए हो बोलियो? 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट में जाइयो, है ना? हाँ बाबू 15 मिनट रखना अभी तो इसको, 15 मिनट में रखना, सब जाना तो यार जानूंगी नहीं क्या। गाजर का हलवा बन रहा है मेरी तरफ से सभी जानवरों को, नुकता है जीमण है यानी कि जिम बहनों है सबने आ जटे बाकी जीवन है आज, है ना बाबू? सावित्री माता के पीछे सोनिया गाजर को हलवा बना रही है, मैं चाह का बस जाएगी तो सब आ जाएंगे उड़ उड़ के भी। तो अभी मैं इसमें दूध वगैरह खाली कर रही हूँ भगोनी में, वो उसको 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया है इसके अंदर, फिर इसको करके थोड़ी सी देर मैं भी बैठूंगी 5-10 मिनट जब तक वो पकता रहेगा। तो ये गाजर ऐसी हो गई, अभी कितनी देर हो गई इसको? 5-10 मिनट हो गए, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना इसको। चल ठीक है, दूध डल रहा है इसके अंदर देख सकते हो, 1 किलो दूध है पूरा। वो पूरा डालेगी क्या? आधा करके मतलब पहले थोड़ा पकाएंगे। हाँ फिर उसके बाद दूध डालेंगे, डाल दे इसके अंदर। अच्छा मतलब आधा आधा करके डालेगी। हाँ फिर पकेगा भी तो ना। सही है ठीक है, उसको आधे को रखेगी अभी। हाँ ठीक है, गाजर के हलवे के अंदर दूध डाल दिया और शक्कर डाल रही है इसके अंदर, सोने डाल दिए अभी तो इसके अंदर, मावा भी डलेगा, मावा भी लेकर आए हम, पहले शक्कर डाल लेते हैं, है ना? शक्कर काफी है ना, और डाल दे मीट हो जाए बढ़िया। किस किस के मुंह के अंदर पानी आ रहा है, झूठ मत बोलना मेरे को, बताया पानी सबके मुंह में आ रहा है इसको देख के। उससे पहले तो वीर के आ रहा है, तेरे मुंह दिखा ना इधर। ये प्लेट लेके बैठ गई,
क्योंकि बहुत सारा है तो हम दाब के खाएंगे, बज भी जाएगा शायद, आई थिंक ये बचा हुआ दूध है और डालेंगे इसके अंदर, ये मावा है बट ये बचा हुआ दूध पूरा डाल दूं? हाँ पूरा डाल दे बाबू यार, हाँ पक्का, थोड़ा सुराख दी, मैंने एक दो घुटक पी बैठा था, बस मैं पी जाऊँ, ठीक है ना, ठीक है। अब ना बाद में देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, अभी मावा भी डालेंगे थोड़ी देर में, है ना, अब 15 मिनट बाद ये दूध है जो मैं पी जाता हूँ। ठीक है, कैसे पी रहा है इस दूध को, मेरे से नहीं पिया जाता है, ये फीका मावा जो हम लाए इसमें डालने के लिए भी इसने मेरे से जिद करी, बोले खा ले, मैंने कहा नहीं, बल्कि मुझसे फीका मावा और दूध बिना शक्कर के भाता नहीं है, बल्कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब डकार भी मान रहा है। तो कितना प्यारा हो गया, और सोनिया इसके अंदर मावा डाल दिया, मस्त हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा, बिखेर का डाल देना यार, इसने मावा हो जाएगा, ये डाल दे, ठीक है ना, क्योंकि मावा डाल दिया इसके अंदर, अब काफ़ी प्यारा हो जाएगा, हिलाना पूरा हिलाना एक बार, ऊपर नीचे करना इसको, इसको अरे ये हो जाएगा गर्म करके, इसको छोड़ ऐसे मत कर, बल्कि मावे को करना पड़ेगा ना, अच्छा तभी तो फूटेगा। सो गाइस यार काफ़ी प्यारा बनने वाला अपना गाजर का हलवा है, हाँ। और तेरी तो पूरा पानी चल गया इसमें ना, हाँ। अभी बाकी गाइस आप लोगों को दिखाते हैं कितना मस्त बना और काफी प्यारा बना, आप लोगों को मजा आएगा देखने में, दिखा ना ये देखो, वाव इतना प्यारा, थैंक यू सो मच मेरी जान, क्यों होए गाजर का हलवा बना दिया मेरी जान ने, काय बात है, दिखा जी पाचक ऊपर कर, वाह यार गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा बना, मजा आएगा है ना, पेट भर के खाएंगे आज। गाइस हलवा बन चुका है और सोनिया भगोनी में खाली करिए, कर ले बाबू इसमें सारा, करूंगी ना भगोनी धोने में मुझे बहुत टाइम, कढ़ाई धोने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, मस्त लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है, मैंने बनाया है गाइस यार, आज तो मजा आने वाला है, मतलब यार हलवा खाऊंगा पेट भर के बहुत दिनों बाद, बाबू ऐसी डाइट रोज मिल जानी चाहिए यार, है ना। गाइस कितने पैसे लगे यार, 130 रुपए में देखो हलवा बन चुका है, 130 रुपए में नहीं यार, घी भी लगाना यार, घी का डब्बा पूरा गया, यानी कि 260 रुपये मान लो, 260 रुपये में भर पेट के हलवा खा सकते हो, ये वरना अगर इतना सा हलवा अपन इतपन को इतना सा हलवा देता 200-300 रुपये में, हाँ। बाहर दुकान वाले आराम देता है, साफ हो गया, बाकी देखो भगोनी भर चुकी है आधी और मजा आएगा, अभी सोनिया इसको धोएगी फिर खाएंगे, है ना बाबू, ठीक हाँ। है चलिए आज टाइम पे फ्री हो चुका है और मौसम देख सकते हो, सूरज अस्त होने वाला है, कितनी 5:30 हो गई है, 5 बज गई और इधर देखो हलवा बनाने के बाद रगड़ के ये हंस रही थी गाइस, ये हंस रही थी कि मेरी वीडियो नहीं बना ले रगड़ गाइस, ये तो इसके तो मीम्स बनने चाहिए, आप लोग मीम्स बनाओ और इसको टेक करना, मत कर सैया रोटी पकाई दूंगी, सैया रोटी पकाई दूंगी, तर बाप ने क्या कर रही है, धो ले ना बाबू गोबर खा लेना हलवा की जगह, हाँ ज्यादा मत बोला करो बाबू, गोबर खाएगी तो देख तेरे प्रोटीन मिलेगा, मेरे को नहीं चाहिए वो प्रोटीन, जैसे गोबर प्रति गोबर गाय कर रहे हैं वैसे हाथ मान लेना हां गाय गोमूत्र कर, जब गोमूत्र पी जा, सो गाइस मजाक कर रहा हूं बस, आप इस चीज को गुस्सा मत करना, इसको भी बोल रहा हूं गुस्सा मत करना, मजाक कर रहा हूं बस मैं, और हलवा बन चुका है अभी खाएंगे हम थोड़ी देर में, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ ये धो ले फिर खाए, सारा धो दिया बस, आज जल्दी फ्री हो चुके हैं, बहुत ही मजा आया ना, और हम सोच रहे थे लेट होंगे, नीचे चूल्हा पेड़ में चूल्हा है, मुझे बता अभी तपेंगे अपन ना यहाँ पे, हाँ, अभी रुकेंगे ना यहाँ पे थोड़ी देर और, सो गाइस देख सकते हो और हलवा दिखाता हूँ हम लोगों को कितना प्यारा है, देख सकते हो यार घी देखो ऊपर कैसे करा, मावा देखो इसके अंदर, हाय कितना प्यारा यार, अभी खाने का बहुत ही मजा आएगा, पानी आ रहा है मेरे तो मुँह में, इसको बोल रहा हूँ जल्दी फ्री हो जाए फिर खाएंगे दोनों बैठ के, ना बाकी गाइस बहुत ही मज़ा आया यार, इतनी इंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत ही मज़ा आ रहा है इंजॉय करने में, बाकी सोनिया को पूछ सकते हो, हाँ आ जाए इधरा, कितना मज़ा आ रहा है सच से बताना, बहुत ज़्यादा आ रहा, नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सो गाइस यार मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोगों को इंजॉय करने में, और आज क्रिसमस डे है ना तो इसलिए हम यहाँ आए, क्रिसमस डे हैप्पी क्रिसमस डे गाइस, और हैप्पी क्रिसमस डे हमारी तरफ से आप सभी को, बल्कि हम भूल गए थे आपको सबसे पहले विश करना, हाँ लेकिन अब विश कर रहे हैं, सॉरी गाइस मुझे खुद को भी पता नहीं था आज ये था, सच में ये तो अभी इसने बोला जब ये पता चला मुझे, और हम लोगों ने मतलब प्लान बनाया कि बहुत से लोग न्यू ईयर कपल्स वगैरह बनाते, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग न्यू ईयर इस बार बाबा श्याम जी के जाएंगे, हमारे लिए तो वही सब कुछ है, तो गाइस यार आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, तुम्हारा भाई न्यू टी शर्ट लेकर आया, बेबी ने तो बता दिया अच्छी है, बट ये वाली कैसी है कमेंट करके बताना,
और इस जैकेट पे मैचिंग लाया, नीचे पेंट भी सेम ही है सीधे, है ना। इसको मैंने गलती से बता दिया संडे, तो सोनिया ने मुझे बताया गलती से संडे, तो आज यहीं पे रुकेंगे, बहुत ही मजा आएगा गाइस। आज तो संडे स्पेशल वीडियो है और हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस का पैड नहीं होना, हम लोग क्रिसमस यहीं बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। सो अभी देख सकते हो हम आँख से तप रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चलती है ना इसलिए, और उधर हलवा रखा है। किसी को खाना तो आ जाओ मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे से सब्सक्राइबर, है ना बाबू। जिंदगी जीने से जीओ ना, और नहीं तो क्या। सही बता, मजा आ रहा नहीं आ रहा? बहुत, मुझे तो बहुत मजा आता है, हम दोनों रहते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। और हमारे बीच जब कोई तीसरा आता ना तो हमारे बीच तो लड़ाई हो ही जाती है, ये चीज मैं नहीं, इससे ही पूछ सकते हो आप। हाँ गाइस, ऐसा है कि हम मतलब हमारे बीच में तीसरा कोई आता ना, हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है भयंकर वाली। सो यही है, अभी अभी थोड़ा हलवा हलवा खाएंगे। व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, और एक ट्राइपॉड लेकर आएंगे ताकि हम ना कैमरा टिका के रख देंगे यहीं पे, ट्राइपॉड मतलब फ़ोन के लिए, तो वो ट्राइपॉड है भी नहीं हमारे पास। बाकी ऐसा व्यू हम कुछ भी काम करते तो आपको अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, बाकी माइक लगा लेंगे हम तो आप लोगों को व्यू भी काफ़ी अच्छा प्यारा लगेगा यहाँ का। और हम सोच रहे हैं इस बार आपकी बार न्यू ईयर यहीं बनाने की सोच रहे हैं ना बाबू। हाँ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी व्यू देख सकते हो सूरज कितना क्लियर दिखता है यहाँ से, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, वीडियो के अंदर तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ सच में मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, सच में बना देगा क्या मेरी? नहीं, कोई नहीं बनाएगा तुम्हारी रील्स, बाकी अच्छा लग रहा है यार, देखो यार सच में। मत बनाना बाद के बाद, मैं भी नहीं बनाऊंगा। मैं भी बनाऊंगी, बना दूंगा ना रील्स से, बना कर दिया ना लगा, अरे बना दूंगा मेरी। सूरज अस्त होने वाला है थोड़ी देर में, मतलब ज़्यादा 20 मिनट लास्ट, उसके बाद सूरज धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होते ही फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। अभी अभी तक हम लोगों ने हलवा खाया नहीं, ये है गाजर का हलवा जो वीर ने शुरू कर दिया है खाना। कई बच्चे खेलो खेलो, तो तू क्या चाहे, दो किलो बस। चलो तुम खाते हो, आजा। आई एम सो एक्साइटेड लमन चका मैंने भी खिला गाइस, इतना प्यारा स्वाद है ना, हलवे की गली फैले इसके सामने, मेरे सामने। है ना, मतलब काफी प्यारा बना, मतलब बहुत प्यारा, मजा आ गया। उम्मीद करो कि मेरी शादी के अंदर आप लोगों को हलवा मेरे हाथ का ही मिले खाने का। अच्छा, मेरे हाथ का तो एक नंबर लगेगा ना। काफी प्यारा देख सकते हो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, तो आपको कितना प्यारा लगा? बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, ऐसे ही नहीं बनता है ना सोनिया। बाकी गाइस हम तो देख सकते हो, आप भी बना सकते हो, हमारी वीडियो देखो पूरी, कैसे कैसे बनाया है, क्या क्या चीजें डाली है, बाकी मजा आ रहा हमको तो। खाओगे? नहीं तो मैं खाऊंगा। तेरे हाथों से पहले पता गाइस, मेरे हाथों से इसने ना खाना खाना भी बंद कर दिया था, अब मेरे हाथों से सब कुछ खाता है, खाना वाना सब कुछ खाता है। क्यों, तुम पर तुम्हें डाउट था कि मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी? ऐसा क्यों? मुझे लग रहा कि सारी बार ऐसी तैसी करूं। तो सूरज अस्त होने वाला, बस थोड़ा सा बचा है, बाकी ये आग लगाएंगे, वापस थोड़ी देर बैठेंगे। बाकी सोनिया खा रही है हलवा, आप नहीं खा रहे? खा लिया मैंने, पेट भर गया मेरा। क्यों, आप तो कह रहे थे कि मैं पूरा खा जाऊंगा, मैं इतनी औकात नहीं है खाने का। होती है औकात। बाकी गाइस यार कितना प्यारा लग रहा है देखो, बिल्कुल पास में से देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पानी आ रहा होगा मुंह में। एक एक And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So guys, finally, सूरज अस्त हो चुका है, देख सकते हो पीछे, और अभी हम रुकेंगे बहुत देर तक यहाँ पे क्योंकि आज संडे, जिम भी जाना नहीं है मुझे, तो यहीं पे रुकेंगे, बहुत ही मजा आएगा। और सोने नीचे सामान, एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है, देख सकते हो आप, मेरे पीछे बैठा है, एक कांड करके आया है, ये देख सकते हो आप, ये उठा के लेकर आ गया उधर से जाके, यहाँ के बैठा है। कई पच हंस कांड रहे, बहुत बड़ा कांड कर दिया जी। देखो अंधेरा हो चुका है चारों तरफ, और ये सोनिया पे फोन चला रही है ना। हाँ। क्योंकि आज संडे है ना, है ना, संडे की वजह से हम बैठे हैं, तो हमने सोचा यहीं पे थोड़ी देर रुकते हैं, और अपनी गाड़ी पीछे यहाँ पे खड़ी है, बाकी अंधेरा हो चुका है। चलिए अभी हम बहुत देर हो गई, और टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया 7:09, 7:09 हो गई, और हम मतलब ये भी आ गया, गणेश को फ़ोन कर लिया था, ये जस्ट अभी आया, मैंने बोला यार हम थोड़ा लेट तक रुकेंगे यहीं पे, सो ये फ़ोन करते ही यहाँ पे आ गया,
और इसको भी टेस्ट कराया गाजर का हलवा, कैसा लगा भाई? गाजर का हलवा बहुत अच्छा था, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई दुकान से खरीद के लेके आया। यू नो आपको बताया गया जंगल में कुछ चीज हम बना के खाते हैं तो उनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भाई। वो हलवा खा के मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ अच्छा कुछ खा लिया। खाया भी कितना, इतना सामिंग थी, इतना तो हलवा खाया, थोड़ा सा खाया, इतना सा खाया। बाकी गाइस था ना इसलिए। बाकी गाइस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ कोई नहीं है। और मतलब देखो यार, मतलब थोड़ी सी डरावनी जगह है बाकी, लेकिन अब गणेश भी आ गया तो क्या बोल रहे हो? मान लो इधर से इतनी रात को इतना जंगल है, बगैर आ जाए या है नहीं ना बगैर किसने बोला बगैर है तो ये लटका अम्मा है इतना बड़ा उठेगा तब तो ये अपने ऊपर ही पड़ जाएगा, ये काम में आएगी ना ये लकड़ी से। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ज्यादा टाइम हो गया, गणेश भी थैंक यू सो मच हलवा खाने के लिए। हम तो हलवा खाने के लिए आए, सही बात है, हलवा है क्या। सो गाइस यहाँ से निकलते जल्दी से और अपनी रानी को सोनिया को बिठा के लेके नहीं जाऊंगा इस पे, क्योंकि सोनिया और हम दोनों गिर जाएंगे आगे, मिट्टी है बहुत सारी। तो सोनिया पैदल पैदल चले के आगे है ना, ले फोन पकड़ ले तू। नहीं फाइनली वापस पहुंच गए यहाँ पे और आ गए थे, रास्ते में वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई क्योंकि हमको जल्दी निकलना था वहाँ से। सो गाड़ी कैसे निकाली आप लोगों को दिखाया नहीं हमने। सो आई होप कि व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्यार सा कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।